हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में संतान सप्तमी का व्रत कब किया जाएगा, संतान सप्तमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और इस व्रत का महत्व, साथ में जानेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतान सप्तमी पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान सप्तमी के दिन महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र और तरक्की के लिए व्रत रखकर भगवान सूर्य और लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करती हैं, व्रत करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखने से मनोकामना पूर्ण होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन अब की बार राधा अष्टमी भी पड़ रही है। ऐसा संयोग 150 साल बाद लगने जा रहा है। इस व्रत को ललिता सप्तमी, संतान सप्तमी और कई नामों से इसे जाना जाता है। इस व्रत को मुक्त भरण व्रत और ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में संतान सप्तमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत का महत्व, साथ में जानेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति की चाहत रखने वालों के लिए संतान सप्तमी का व्रत पुण्य फलदायी माना जाता है और इस साल संतान सप्तमी व्रत 22 सितंबर को है। इसे ललिता सप्तमी, मुक्त भरण सप्तमी और संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित हैं उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भर जाती है और यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान की उन्नति के लिए ही किया जाता है। आइए जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि संतान सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में 21 सितंबर को दोपहर के 2:14 पर शुक्ल पक्ष की सप्तमी शुरू होगी और 22 सितंबर को दोपहर के 1:35 पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि समाप्त होगी। तो जो व्रत है वो 22 सितंबर को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 4:35 से सुबह के 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:49 से दोपहर के 12:38 तक। गोधूलि मुहूर्त है शाम के 6:18 से शाम के 6:42 तक। और अमृतकाल मुहूर्त है सुबह के 6:47 से सुबह के 8:23 तक। इस शुभ मुहूर्त में महिलाएं व्रत रखेंगी और भगवान शिव के साथ साथ माता गौरी की ध्यान करके व्रत करेंगे। आइए जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा विधि। दोस्तों, भाद्रपद महीने के सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता पिता द्वारा संतान प्राप्ति के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। इस व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी करना शुभ माना जाता है। तो सुबह जल्दी स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु शिव पार्वती की पूजा करें और दोपहर के समय चौक बनाकर
उस पर भगवान शिव की प्रतिमा, शिव पार्वती की प्रतिमा रखें और उस प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाएं और अक्षत, श्रीफल, सुपारी ये सभी चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद दीप जलाकर भोग लगाएं और माता पिता द्वारा संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। इसके बाद इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस व्रत के दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और भोग में तुलसी का पत्ता रखकर उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो फिर व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इसके बाद आरती करें, परिवार जनों के साथ मिलकर के आरती करें और भगवान के सामने मस्तक रख के अपने मन की मुराद कहें, भगवान से विनती करें और बाद में जो भोग लगाया है उस भोग को प्रसाद के रूप में परिवार जनों में और आस पड़ोस में बांट दें। अब मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। उस राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई, सरयू नदी में स्नान करने गई जहाँ दूसरी स्त्रियाँ भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम पूछा और उस पूजा के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि ये व्रत संतान देने वाला है, संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी का नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ और उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत गहरा प्रेम हो गया था। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी को कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया था। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने आई और इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया। परंतु वे बालकों का बाल भी बांका न कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद कराई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी न मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ साथ संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। इस व्रत की कथा सुनने के बाद शाम के समय में भगवान शिव पार्वती की पूजा धूप दीप फल फूल और सुगंध से करते हुए नैवेद्य का भोग लगाने के बाद
आरती करनी चाहिए और भगवान शिव से संतान के सुख के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यानी कि आप जिस कामना से ये व्रत कर रहे हैं तो वो अपनी कामना भगवान से जरूर कहें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। आइए जानते हैं संतान सप्तमी के दिन अच्छी और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए और संतान के सुख के लिए, बच्चे के अच्छे कैरियर के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप ये व्रत कथा जरूर सुनें और ये उपाय कर सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन जो महिलाएं बच्चे का सुख नहीं भोग पा रही हैं, यानी कि जिनके पास संतान नहीं है, संतान की चाहत रखती हैं, तो वे निर्जला व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ को सूती का डोरा अर्पित करें, सूत का डोरा अर्पित करें और संतान सप्तमी की कथा जरूर सुनें। पूजा के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण करें। माना जाता है कि इससे संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है, सूनी गोद भर जाती है, निसंतान दंपत्ति को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि बच्चे के अच्छे कैरियर के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर शाम के समय शिव पार्वती को गुड़ से बने हुए 7 पुए का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं और उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर कैरियर की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी पर व्रती को सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जो महिलाएं व्रत रखती हैं तो सूर्य को अर्घ्य दें और फिर शिव जी को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें, नारियल अर्पित करें। माना जाता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होती है और बच्चे के सभी दुख दूर होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।